आपको जो कॉन्टेक्ट करता है इमरजेंसी के लिए। मुख्य बिंदु तो इसमें यही रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं एक्सीडेंट वाले, या जो हमारे एक्सीडेंट्स में लोगों की सुविधाएं हमको तुरंत पहुँचानी है, और उसके बाद जो मुआवजा है, इन सारे बिंदुओं को रखा गया है कि इनमें हम कैसे फास्ट और इफ़ेक्टिव सर्विस जो है, चाहे NHAI हो या हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज हो, हम लोग कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसी पर बातचीत हुई है। जैसे ये कोई भी अगर हिट एंड रन का केस है और वो अगर मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सर्टिफाई किया जाता है, तो उस केस में प्रति व्यक्ति मृत्यु पे 25,000 है और घायल को जो है 12,000 रुपया है। अगर गवर्नमेंट के परिवहन से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें 40,000 रुपया जो है मिलेगा। आज जैसे कुछ लोगों को हम लोग पैसा प्रोवाइड भी करा रहे हैं, उसी प्रकार से NHAI की अपनी सुविधाएँ एम्बुलेंस से लेके लिफ्टिंग वाली व्हीकल सब हैं, तो जिसके बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को इसकी जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया। कई विभागों को आपने निर्देश दिया कि अपने फंड से अवेयरनेस के लिए, तो परिवहन विभाग हो गया, PWD हो गया, NHAI हो गया, इनको ये निर्देश है कि लगातार इसका जो है एडवर्टीजमेंट करते रहे, ताकि पब्लिक के जो है नॉलेज में ये बना रहे और पब्लिक इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा।